ये टाइम है अपने व्हीकल को ऊपर से पहाड़ कूदाने का। अटक गया बेचारा गलत जगह पे कूदा दिया। अच्छा चलो एक बात बताओ, FS22 के अंदर 100K अर्न करना कितना मुश्किल है? इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा चलो ये बताओ, $1 million अर्न करना कितना मुश्किल है? वो भी इजी है ना। $10 million, $50 million, $100 million। तो कहने का मतलब है कि $100 million का हमने चैलेंज ले रखा है कि हमको जल्दी से जल्दी इस FS22 की सीरीज के अंदर $100 million अर्न करने। वैसे ही बहुत बड़ा चैलेंज है, वैसे ही बहुत मुश्किल चैलेंज है, और ऊपर से हमने इतने सारे रूल्स लगा रखे इसमें कि हम लोग ये नहीं कर सकते, हम लोग वो नहीं कर सकते, और हम लोग 50 तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। तो मतलब चैलेंज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग इस गेम की सारी चीज़ों को करते करते इस चैलेंज को कम्प्लीट करेंगे। हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी लोग? चलिए शुरू करते हैं फार्मिंग सिमुलेटर 22 के एक और नए मजेदार एपिसोड को। Okay, तो चलो यार ये रह गए हम लोग। एंड आई नो पिछली वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि यार ये जो हार्वेस्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसको मैं कर दूंगा उस वीडियो के अंदर। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने बहुत बार की रखा है कि यार मैं ऑफ द वीडियो ना ये गेम नहीं खेलता हूँ। क्यों नहीं खेलता हूँ? क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि गेम अपने अच्छा नहीं लगता। गेम तो भाई अच्छा नहीं लगता तो हम खेलते क्या यार? गेम अच्छा लगता है, बस बात ये कि मतलब मैं चाहता हूँ कि जितनी भी चीजें अपन करें ना, वो सब आप सारे लोग देखो उन चीजों को, राइट? समझे? तो इस वजह से। बाकी रही बात हार्वेस्टिंग की, तो अभी निपटा देंगे इसको यार एक मिनट में। लेकिन बहुत सारे काम है पास में एज यूजुअल हमेशा रहते हैं ना। आपने फार्म पे काम मतलब वर्क तो भरा पड़ा है भाई, इतना सारी चीजें रहती ना करने के लिए। सबसे पहले आपको एक चीज बताऊंगा शॉकिंग, ये मैंने पिछली वीडियो में देख ली थी। ये सब के सब ये सो रही क्या? आई डोंट नो, मर गई शायद से। ओ नहीं, यहाँ पे 182 एनिमल है इनका ना। जितने मतलब जितने भी यहाँ पे पोल्ट्री फार्म है ना, सबका एक बार खाने का सेक्शन देखो। इधर 0 liter food, इधर भी 0 liter food, इधर भी 0 liter food, इधर भी 0 liter food। हालांकि यहाँ पे एक बैग पड़ा हुआ है, लेकिन छोड़ो यार, इधर भी 0 liter। कुल मिला के बात ये कि इन सब के अंदर खाना खत्म हो गया यार। एंड यार ये जो चीज है ना, आई डोंट नो ये काम क्यों नहीं कर रही है। मतलब मैं शुरू में जब अपन इस सीरीज में गेम खेल रहे थे ना, तब ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही थी, लेकिन अभी ना बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है। तो मैं सोच रहा हूँ छोड़ो यार, इसको बेचो भाई। इसके वजह से कितने पैसे मिल रहे हैं अपने को? $2500। मेरे पास फिलहाल सिर्फ और सिर्फ $10,000 है। अब यार देखो, खान ये तो बेच दिया मैंने, लेकिन शर्त है उनको खाना कैसे डाले। यहाँ पे वैसे मेरे पास वीट के बैग रह गए, तो एक काम करता हूँ पहले। तो यार ये कौन सा ट्रेलर खरीद लिया मैंने? हेलो, ये क्यों? अच्छा हाँ, ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर खरीदा था, जस्ट इसलिए कि इसमें देखने के लिए भाई वीट वगैरह लोड होते या फिर नहीं होते। बट बाय मिस्टेकली बोल रहा है, फिर कैसे बोलो, इसके अंदर कुछ भी लोड नहीं हो रहा है, तो फटाफट से इसको बेच देते। इसके भी थोड़े बहुत पैसे आ ही गए अपने पास में। अभी अपने पास में ना 3-3 ट्रेलर देख रहे हो तुम, काफी मस्त सीन है कहने का मतलब। तो चलो यार, अपने जो हार्वेस्टिंग वाला टास्क है ना, उसको निपटाते अपन। लेकिन उससे पहले भाई यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ खाना डाल देते। एंड देखो ट्रक यहीं पर पड़ा हुआ है, और मेरे को पीछे ना वीट के काफी सारे बैग दिख रहे हैं, तो पहले तो वो बैग डालने का ट्राई करते, और उसके बाद फिर अगर वीट वगैरह बचेगा ना, तो फिर मेरे को बिल्ड मेनू में देखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन मोड के अंदर की कोई सा नया फैक्ट्री वगैरह, फिर कुछ ऐसा है क्या जहाँ से मतलब अपन सीधे सीधे खाना खरीद सकते। मतलब जैसे अभी जो अपना ना वो परचेसिंग पॉइंट लगा रखा था ना, उस टाइप का अगर कुछ मिल जाएगा ना अपने को, तो काफी सही रहेगा यार। अपन देखो यार, ऐसा लग रहा होगा ना, अपने पास ऑप्शन है। देखो अपन शॉप से भी चीजें खरीद सकते हैं, मतलब जैसे ये बैग भी अपने शॉप से ही खरीद रखे ना, तो अपन शॉप से नो डाउट चीजें खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट पता है दिक्कत, शॉप से बार बार कौन जाएगा भाई? सोचो शॉप पे जाएंगे, वहाँ बैग खरीदो, फिर उठा के लाओ, फिर शॉप पे जाओ, फिर उठा के लाओ, बहुत दिमाग खराब करने वाली बात है भाई। वेट यार, इसको मैं लोड क्यों नहीं करवा पा रहा हूँ भाई? ओ शिट, एक गड़बड़ हो गई। एक्चुअली हुआ क्या कि वो जो ट्रेलर लैग नहीं हो रहा था क्या बार बार, बहुत सारी फ्रेम ड्रॉप कर रहा था, तो मुझे लगा था यार वो ना यूनिवर्सल ऑटो लोड की वजह से हो रहा है, तो मैंने यूनिवर्सल जो ऑटो लोड वाला सिस्टम है ना वही हटा दिया। तो इस वजह से अब देखो मैं ट्रक में बैठे बैठे ना ये बैग वगैरह लोड ही नहीं करवा पा रहा हूँ। अब अगर मेरे को बैग इसके ऊपर चढ़ाने हैं ना, तो मेरे को मजबूरन वो जो अपने पास में छोटी सी ट्रॉली वाली कार है ना, ट्रॉली वाली नहीं, आई मीन वो फ्रंट हेडर वाली कार, फ्रंट लोडर वाली कार, उसको लाके उसकी मदद से मेरे को करना पड़ेगा यार। ये चीज अच्छी नहीं बिल्कुल भी यार, बिना ऑटो लोड के तो भाई काम नहीं बनता यार। ऑटो लोड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस गेम के अंदर, समझ रहे हो ना? ओके तो चलो यार, अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये ना अपन नेक्स्ट वीडियो में सही कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं गेम को बंद करके चालू करना वो सब नहीं करना चाहता हूँ। थोड़ी देरी लगेगी मेरे को, 1-2 मिनट लगेंगे बस, खाली 1-2 मिनट भी नहीं लगेंगे यार। 3 तो बैग दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे खाली। इनफैक्ट मेरे को ट्रेलर में डालने की भी जरूरत नहीं है यार, मैं इनसे भी बैग उठा उठा के डाल सकता हूँ। देखो बताऊँ क्या, 2-2 बैग अपन एक साथ डाल सकते हैं इनको खाना। अभी मेरे को सबसे पहले इसको फुल खोल दो, राइट, एंड सीधे सीधे भैया बैग के अंदर डाल के, ये देखो उठ गया ना। हालांकि जो गाड़ी है ना वो थोड़ी थोड़ी पीछे से उठने लग गई, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अपने यहाँ पे ये देखो यार, खाना डल जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो इस तरीके से मेरे पास कितने
कितने बैग है टोटल यहाँ पे अगर देखा जाए तो, दो तो मैं डाल रहा हूँ एंड वहां पे भी दो या तीन पड़े हुए शायद से। तो अरे बैग खत्म हो गए एंड इधर अगर देखूं मैं तो अरे 1800 लीटर भाई शीट। तो बैग वैग से तो कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे को, एट द एंड भाई वो ट्रेलर से ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ट्रेलर के अंदर इम्पोर्ट करना या फिर खरीदने वाला जुगाड़ी करना पड़ेगा। बट चलो अभी आए दो तीन बैग दिख रहे हैं तो इनको भी मतलब पड़े पड़े क्या ही करेंगे यार, है ना, इनको भी डाल ही देते हैं इसके अंदर। इनफैक्ट तीन तीन बैग है, देखो मैं तीनों एक साथ उठा सकता हूँ क्या? एक सेकंड वेट यार, ये भी ट्राई करके देखते हैं। इसलिए कर रहा हूँ मैं खाना डालने वाला क्योंकि सोचो अंधेरा हो रहा है और अगर मैं ना भी सोऊंगा ना जानबूझ के भी तो भी भाई अपने आप तो दिन हो गई सही ना, मतलब सुबह नहीं होगी क्या, कैसी बातें कर रहे हो यार, फिर आ जाएगी प्रॉब्लम। ओ डन, तीनों बैग उठा लिए इसने एंड तीनों बैग एक साथ डल जाएंगे क्योंकि अभी देखा ही अपनों ने। वेट ये क्या था? अच्छा 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 अच्छा, मेरे को ये चीज ना बहुत बेकार लगती है, मतलब अच्छी लगती है क्योंकि काफी रियलिस्टिक वाइब देती है, बट यार ये अगर ये सेम चीज सोचो बार बार अगर करने लग जाए अपन, मतलब जब भी अपने को खाना डालना है तब अपन सेम चीज कर रहे हैं कि यही, और फिर कितना इरिटेटिंग हो जाएगा वो। तो इस वजह से चलो इस बार तो अभी के लिए मजबूरी अपनी, ये थोड़े बहुत बैग डाल के ना फिर ट्रेलर के ऊपर शिफ्ट करते हैं अपन। और ये लास्ट बैग काम करता हूँ, गाड़ी को मैं उतर ही जाता हूँ तो ये अपने आप डलता रहेगा यहाँ पे। मैंने पता है ये जो पेस्टर है ना, जितनी पेस्टर के सॉरी पोल्ट्री फार्म, इनके दरवाजे भी खोल सकते हैं अपन यार, ये चीज ना मैंने पहले भी देख रखी है। लेट्स गो अपना ट्रेलर ढूंढते हैं व्हाइट कलर वाला। एक्चुअली पहले रुको यार, ट्रेलर ढूंढने से पहले अपन आ जाते हैं बिल्ड मोर के अंदर। मेरे पास में $26,000 है तो दो ऑप्शन है, देखो पहले मैं देख लेता हूँ उसके अंदर सिलो वगैरह के अंदर कि अगर ऐसा कुछ चीज मिल जाती ना मेरे को जिससे अपन, ये क्या है स्मूथ होल बिन, तो इस टाइप का मेरे को कंटेनर ढूंढना यार जो मैंने लास्ट टाइम लगाया था ना, तो उससे क्या होगा कि अपन डायरेक्ट व्हीट परचेस कर पाएंगे और नहीं मिलेगा तो फिर अपने को वही शॉप पे जाके भाई इस ट्रेलर के ऊपर पूरे के पूरे बैग लोड करवा के लाना पड़ेगा। तो ठीक है वो थोड़ी सी बेकार है प्रोसेस, कंपोस्टर सिलो मेडिवल ग्रेनरी। और वेट भाई, कंटेनर के अंदर मेरे को एक मस्त चीज दिखी, अबे मैं इसको लेके कंफ्यूज हो रहा था इतने टाइम से। मैं पता इन बिल्डिंगों को क्या सोच रहा था, मैं इन बिल्डिंगों को सोच रहा था कि ये तो सिलो है, मतलब सिलो के जो अपना यहाँ सिलो लगा रखी ना, ये देखो ये सिलो, तो सिलो के अंदर अपन सामान अपना डाल सकते हैं, तो ये इतने टाइम से कंटेनर में आ रही थी ना तो मुझे वो लग रही थी। बट एक्चुअली वो जो सिलो है ना वो ये है, यहाँ पे देखो इसके अंदर भी देखने को मिल जाएगी, ये देखो यहाँ पे रह गई है जिसके अंदर अपन सामान डाल सकते हैं। लेकिन कंटेनर के अंदर अलग चीज है जिसमें अपन अगर ये वाली लगाते हैं ना तो इससे अपन सीड वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह बाय कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखा था मैंने एनिमल फूड वाला, ये देखो एनिमल फूड सप्लाई फर्टिलाइजर सीड्स ये सारी चीजें अपन इस ग्रेनरी की मदद से, ग्रेनरी नहीं मेडिवल बाइंग स्टेशन, तो इसकी मदद से अपन खरीद सकते हैं। तो चलो यार ये वाला सिर्फ $1,000 का मिल रहा है मेरे को एंड इससे भी अब एक्सपेरिमेंट कर देख लेते हैं, अगर नहीं होगा ना तो फिर भाई अपने को लास्ट मजबूरी अपनी वही रहेगी, लास्ट में मतलब अपने को वैसे ही करना पड़ेगा जिससे अपन हर बार शॉप से लेके आते हैं ना। तो चलो करते हैं, लेकिन पहले सबसे पहले शॉप का ही कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। चलो भाई ये हैवी ट्रक्चर अब तुमने खरीद ही रखा है तो इसके साथ ही चलते हैं एंड मैं एक मिनट के लिए व्हाइट कलर देख लेता हूँ ना, ये पड़ा हुआ भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से ना मैं एक मिनट, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है क्या? अच्छा अभी कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से, जब अपन ट्रेलर लेके आएंगे ना तभी देखने को मिलेगा। एंड अगर फिर भी यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं आया ना तो फिर तो हो जाएगा अपने साथ में स्कैम। तो ये चीज ना भाई जल्दी से जल्दी करना जरूरी है यार, अगर मैं जल्दी से जल्दी सारे पोल्ट्री फार्म में खाना वाना नहीं डालूंगा ना तो नया डे हो जाएगा और जितने भी जानवर है ना यहाँ पे, मैं भाई इधर से एनिमल भी दिखाऊँ ना, तो ये देखो सारे के सारे पोल्ट्री फार्म खाली पड़े हुए, बस थोड़े थोड़े ग्रेन है एक दो के अंदर, बाकी लगभग सब खाली है। तो भाई बहुत सारे जानवर, वैसे ही अपनों ने कितने सारे जानवर अपने गंवा दिए आज तक, मालूम है ना अपन कभी ध्यान नहीं देते इन लोगों के ऊपर। लेकिन एक बार ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई ना खाना खरीदने वाली, तो फिर तो अपन यार इनको जब मर्जी जब बोलेंगे ना तब खाना डालेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। बस एक बार लोड हो जाना प्लीज यार, प्लीज 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 प्लीज। ओ वेट, अरे ये क्या लोड कर रहा है, कोचू कंपोस्टर की लोड कर रहा है। अरे वेट कंपोस्टर लोड कर दिया इसने, एक मिनट मेरे को फिर से खाली करने दो। तो तीन तीन चीजें एक साथ लगा दी ना अपने, इसकी भी अलग प्रॉब्लम है भाई, क्या लोड हो रहा है ये पता नहीं चलती है। चलो मेरे को रिटर्न लगाने दो इसको, यानी जो कंपोस्टर जो लोड कराया है ना इसको, अरे हाँ इसको खाली होने दो यहाँ पे। यार कंपोस्ट का सेलिंग पॉइंट नहीं मिल रहा मेरे को अभी तक, कंपोस्ट का सेलिंग पॉइंट मिल गया ना उस दिन भाई मजा आ जाएगा, उस दिन अपन को एक और चीज पता लग जाएगी। ओ वेट यार शीट भाई, अपन ये चीजें लोड करवा पा रहे हैं इसमें, देखो व्हीट डलवा पा रहा हूँ मैं, बार्ले ओट केनोला सोरगुन सनफ्लावर सोया कॉर्न पोटेटो शुगर बीट सीड टीएमआर सिलेज ग्रास सोलिड लाइम पिक फूड मैन्योर मिनरल फीड हे। ओह शिट, सारी चीजें अपन लोड करवा पा रहे इसके अंदर, तो अपने को करवाना क्या, वीट करवाना अपने को। लेट्स गो वीट लोड करवाते हैं वीट। ये ट्रेलर फुल होने में मेरे सारे पैसे मत कर जाना यार प्लीज। दिमाग खराब है क्या? $15,000 में सिर्फ $26,000 लीटर, देख रहे हो भाई वीट खरीदना कितना महंगा, मतलब
आई नो जिस दिन अपने पास में पैसे रहेंगे ना उस दिन तो अपन खरीद भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी अपने पास में वैसे पैसे है नहीं। और सोचो अपन कितने पैसे और लग रहे। और वेट सामने देखो एक बार, रुको वहां पे चलते हैं, पहले मैं वीट डलवा रहा हूँ तो वीट डलवा देते। एक्चुअली सामने देखो मेरे को क्रिसमस वाला ट्री दिख रहा है चमकता हुआ, वो मैंने ना वहाँ पे जो अपना रेस्टोरेंट लगाया था ना, तो उस रेस्टोरेंट के वहाँ पे वो क्रिसमस वाला ट्री लगा रखा है मैंने डेकोरेशन के लिए, मस्त चमक रहा है वो। एंड या अभी अपन जैसे नया डे करेंगे ना तो भाई अगर मंथ स्किप हुआ तो रेस्टोरेंट का भी तो वो मिलेगा अपने को प्रॉफिट, मतलब $60,000 लिखा हुआ था उसमें कि इस रेस्टोरेंट से पर मंथ के ना अपने को $60,000 मिलने वाले। अभी देखते हैं भाई कितना मिलता है। ऑलराइट लेट्स गो, दूसरा पोल्ट्री फार्म, इसके अंदर भी खाना डलवाते हैं। मेरे पास बहुत लिमिटेड खाना है यार, अगर गिन की भी चले ना अपन तो मेरे पास ना ये देखो एक खाना यहाँ पे एंड एक और मैं डलवाऊंगा मैं, और अपना सारे वीट खत्म हो जाएंगे। चलो भाई इधर भी डलवा लो, अभी अब क्या कर सकते यार। अच्छा यार एक चीज पता है अभी मेरे को क्या लग रहा है कि अपने को ना अपने पास जो बहुत सारी चीजें रहती है ना वो अपने को इमरजेंसी के लिए स्टोर करके रखनी चाहिए। मतलब मैं अभी तक क्या करता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पे पैलेट पड़े हुए, एक के पैलेट आए, इधर कुछ आया उधर कुछ आया, एंड फटाफट अपन जाके बेच देते हैं, बिल्कुल ये नहीं देखते कोई अपन इनको ना बैकअप के लिए रहने देते हैं इन चीजों को, है ना। जब भी जरूरत पड़ेगी तब अपने को काम आएगी, जैसे अभी मेरे को जरूरत पड़ रही है काफी ज्यादा पिस्सू की, लेकिन अपने पास कुछ भी नहीं ऐसा जो अपन बेच पाए। ओके ये देखो भाई क्रिसमस वाला ट्री कितना मस्त दिख रहा है यार रात में। एंड ये वाला थोड़ा सा छोटा सा तालाब बनाया था पिछली वीडियो के अंदर ही, ये दिखाया नहीं था मैंने, ये ऐसी में मजे में जब अपना कॉन्ट्रैक्टर वर्क कर रहा था ना इधर तब बना दिया था मैंने। मेरे को भाई कितने सारे पैसे चाहिए यार, सोचो अपनों को यहाँ पे इन सब के खाना डालना है, और कितने और ये बच रहे पता है क्या, एक दो तीन और चार, लगभग मतलब तीन मान के चलते पूरे तो तीन पोल्ट्री फार्म और बच रहे, यानी कि कम से कम $20,000 और चाहिए मेरे को इनको खाना डालने के लिए। वैसे यहाँ पे काफी सारे कॉफी के पैलेट, काफी सारे वेजिटेबल्स के पैलेट वगैरह पड़े हुए। और यस वेजिटेबल्स वगैरह से याद आया, ग्रीन हाउस की काफी टाइम से बोल रहा हूँ मैं, तो ग्रीन हाउस भी ट्राई करते लगाने की, कॉफी के नहीं दूसरे ग्रीन हाउस, कॉफी से भी मजेदार है वो पता है क्या। तो चलो यार ट्रक पे आ जाते फिलहाल। एंड देखो थोड़ी देर बाद तो वैसे भी अपने पास में पैसे आने वाले, क्योंकि एक बार जब दिन हो गया ना तो उसके बाद तो अपने पास पूरी सनफ्लावर पड़ी हुई है दो दो फील्ड की, तो सनफ्लावर अगर अपन बेच के आएंगे ना तो डेफिनेटली पैसे मिलेंगे अपने को, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि इमरजेंसी है और कॉफी पड़ी हुई है, तो कॉफी एक काम करते हैं जितनी भी कॉफी है ना मैं बेच देता हूँ यार मैं एक बार, है ना। एक तो यहाँ पे जगह भी अलग घेर रखी इसने, बेचो भाई बेचो इसको। अरे यार ऑटो लोड ही बंद पड़ा हुआ है भाई, इधर देखो इधर कंट्रोल में दिख रहा है कहीं से ऑटो लोड का ऑप्शन ना भाई ठीक यार मैंने क्या सोच के ऑटो लोड का हटाया था यार। अभी मेरे पास एक ही आइडिया लग रहा है, ये जो गाड़ी है ना छोटी सी इसे धक्के मार के ले आते, कॉफी के पैलेट अपने को बेचनी तो है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जो शॉप लगी हुई ना वहाँ तक तो लेके आना है। अब अगर ट्रेलर पर नहीं चल रहा है तो ठीक है अभी इसे धक्के मार के ले आते उसको, है ना। अरे भाई पता है मेन प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, वो जो जो जेसीबी का सिस्टम होता है ना आगे वाला वो भी नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं इसको ना ऐसे आगे उठा के ले चलता, मतलब जो फ्रंट लोडर आता है ना वो अलग तरीके का, और ये जो अपने हेवी व्हीकल खरीद रखा है ना इसके अंदर भाई फ्रंट लोडर भी नहीं लगता है। ओ ऐसे में एक एक पैलेट ले जा सकता हूँ ना इस यार, जा तो रहा है देखो। चलो एक पैलेट लेके चलते, एटलीस्ट इतने तो पैसे हो जाएगी अपन ना इन पोल्ट्री फार्म के अंदर खाना डाल पाए अच्छे से। रुको यार यहाँ पे वेजिटेबल कब खड़े कर रखे मैंने ये देखो इधर वेजिटेबल का पूरा ट्रेलर खड़ा है। ओके एक ही पैलेट से मेरे को $11,000 हो गए, मतलब $5,700 मिले ना। अभी काम करता हूँ वेजिटेबल का ट्रेलर पड़ा हुआ है भरा हुआ यार, धीरे धीरे ना अभी तो अपना फार्म पूरा बहुत मेस्ड है ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा मेस्ड है, लेकिन धीरे धीरे ना अपन हर चीज का ना अपना अपना सेपरेट एरिया डिफाइन कर देंगे। जैसे आज अपन ना वो जो पार्किंग जोन बनाने वाले ना तो वो एक चीज बन जाएगी, फिर जैसे जो सेलिंग पॉइंट है पूरा सेल करने का जो सिस्टम है पूरा अलग ही सेपरेट एरिया बनाएंगे अपन, जहाँ पे जितने भी तरह की सेल करने की चीजें होती ना उस सबकी शो सारी चीजें, मतलब पूरा एक मार्केट रहेगा वो, तो उधर ही बिकने का रहेगा, कहीं दूर नहीं यही आसपास में करेंगे। चलो भाई 80,000 एंड वेट, देखो एक चीज बताओ क्या, अब देखो इस ट्रेलर की तरफ मैं कूद रहा हूँ, देख रहे हो ये ट्रेलर, बट 1% इसमें लेग नहीं हो रहा है, 1% फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रही है। तो वो फ्रेम ड्रॉप का जो इशू था ना वो दरअसल जो यूनिवर्सल ऑटोलोड नाम का मोड होता ना उससे आती वो ऑटोलोडिंग वाला सिस्टम, बट ठीक है यार अभी अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या करे यार ऑटोलोड नहीं करवाएंगे तो फिर क्या रोए क्या भाई। एक काम करते यार अभी कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास में, ये जो गाड़ी है ना इसी को लेते हैं एक एक करके सही, लेकिन वो जो ट्रेलर ना उसके ऊपर पैलेट लोड करवा देते हैं अपन यार, है ना। थोड़ा सा मतलब मेरे को एक दो मिनट लगेंगे, लेकिन एक ही बार में भाई इतने सारे पैलेट आ जाएंगे कि मेरे को फिर इन कॉफी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा अभी। तो चलो भाई वैसे एक पैलेट तो उठाने में इसको कोई दिक्कत भी नहीं आती है, तो एक पैलेट उठाते हैं फिर एक पैलेट इधर रख देते, मस्त एंड डन। ऑटो लोड में क्या होता था कि अगर पैलेट चढ़ा भी देते थे ना अपन ऊपर तो भाई पूरा का पूरा ना वो हो जाता था, क्या बोलते उसको, ऑटोमेटिक अलाइन हो जाता था ट्रेलर के अंदर, लेकिन यहाँ देखो कोई अलाइनमेंट नहीं कोई कुछ नहीं। तो मेरे को $20,000 के लगभग चाहिए ठीक है एनिमल का फूड खरीदने के लिए, और मेरे पास तीन ट्रेलर यानी कि 15,000 इससे आ जाएंगे, 18,000 मेरे पास पड़े हुए हैं, तो पीसे वगैरह का तो इंतजाम हो गया अपना ठीक है। और जल्दी से बेचते यार, ये देखो इधर सूरज वूरज दिख नहीं रहा हालांकि मेरे को। ऑलराइट वैसे तो कितने पांच दो चार और पांच छह पैलेट है, बट वेट यार एक बार छह ही पैलेट के पैसे देखो भाई, इतने पैसे में तो ना पूरे पोल्ट्री फार्म में खाना आ जाएगा एकदम जीरो से। चलो यही वाला व्हीकल लेते और ट्रेलर मैंने फिर उधर खड़ा करवा दिया बताओ। और एक सीक्रेट की बात बताऊं क्या, ये जो घर है ना अपना हाउस याद जाने वाला भाई। ऑलराइट लेट्स गो, इस बार मैं सोच रहा हूं कि ट्रेलर फुली करवा लेते हैं ना, वैसे भी कितने $20,000 $15,000 लगे थे पिछली बार जब तो
तुमने इसमें डलवाया था ना, तो फूल वगैरह आने के कितने लग जाएंगे, $30,000 या $25,000। लेकिन मेरे को थोड़ा सा आगे से करवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर से कंपोस्टर लोड करवा लेगा इसके अंदर। अगर चलो दो ही पोल्ट्री फार्म बचे हुए और एक लास्ट मेरे ख्याल से जो सबसे पहला वाला है ना उसके अंदर भी थोड़े और वीट डालने बाकी है। एंड डन और राइट। एंड अगर अभी मैं यहाँ से देखू ना, मैं वैसे घूम घूम के भी देख सकता हूँ एक एक को, लेकिन यार यहाँ पे देख के अपन इजिली देख सकते हैं ना। तो ये देखो भाई, सबके अंदर ग्रेन एकदम 100% हो चुका है मेरे ख्याल से। बस यार जो एक प्रॉब्लम है ना वो ये है कि काफी बार ना यहाँ से जानवर अपने मर गए। जैसे यहाँ पे देखो, इन सबकी कैपेसिटी 360 एनिमल की, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 257 एनिमल बचे हुए। इधर देखेंगे तो सिर्फ इधर 360 बचे हुए पूरे, इधर देखेंगे तो 183 बचे हुए बस सारे, बाकी सब मर गए भाई। इधर भी 180 बचे हुए, इधर भी 180, इधर भी 190, इधर भी 180। और मतलब पोल्ट्री फार्म के अंदर मैंने खाना डाल दिया। और अगर एक बार मैं अपना जो काउ का फार्म है ना, काउ का फार्म के बोलेंगे, काउ का बांध और शिप का जो पेस्चर है ना, शिप का बांध काउ का बांध दोनों, इनके अंदर भी एक बार खाना चेक कर लेते अपन। वैसे पोल्ट्री फार्म में तो डाल दिया है, लेकिन अब मैं नया डे करने वाला हूं ना सोके, यार अंधेरे अंधेरे में हार्वेस्टिंग करेंगे ना तो मजा नहीं आएगा, इसलिए इधर भी खाना चेक कर लेते हैं। इधर 4,000 लीटर खाना पड़ा हुआ है, ठीक है तो मरेंगे तो नहीं, एटलीस्ट ये खाना खत्म जरूर से हो जाएगा इनके अगले डे। इधर देखे तो इधर पड़ा हुआ है 14,000 लीटर एंड ऊपर वाले में 11,000 लीटर। यस, खाना वाना तो काफी सारा पड़ा हुआ है। और आज मैं सोच रहा हूँ कि दूध वगैरह भी बेच देंगे इसका भाई, बहुत सारा दूध इकट्ठा हो रखा है इसके अंदर, 60,000 लीटर इसमें और 30,000 लीटर दूसरे में, 90,000 लीटर दूध किसको बोलते हैं यार, तो वो भी बेच देंगे। बस अपने को एक छोटा वाला ट्रेलर, छोटा वाला टैंक लेके आना पड़ेगा उसके लिए। लेट्स गो, एक लास्ट बार सो लेते हैं अपन अपने इस वाले हाउस के अंदर, क्योंकि आज ये हाउस बिकने वाला है भाई। नो मोर स्पेस टू द प्लेस न्यू पैलेट, इसमें अलग दिक्कत। एक काम करूं क्या, ये जो जगह है ना, इस जगह तो पेड़ बहुत ही गलत लगा हुआ है यार, बट वेट, इस तरीके से प्लेस करना है अपने को। तो सीन क्या होगा, जैसे मैं इसको एक्टिवेट करवाना, तो ये जितना भी वूल यहाँ पे जो ये वूल का पेस्टर क्या बोल रहा है अपने को, कि भाई यहाँ पे कुछ भी जगह नहीं बची हुई वूल रखने के लिए, तो इस तरीके से अपन इसको धक्का दे देते हैं मस्त। और यार अंधेरे में एक बार ध्यान से देखोगे ना तो सारे के सारे शिप जो है ना सब सो रहे हो यार, ये कितना अच्छा दिख रहा है यार, ये देखो ये भी सो रहा है, इधर देखेंगे तो इसको ये भी सो रहा है, सब के सब नींद निकाल रहे हैं। यानी देखो दोबारा से इधर आ गया ना ऑटोमेटिक, अब जैसे यहाँ पे पैलेट आएंगे वूल के दोबारा से अपन आ जाएंगे। और यहाँ पे आई नो ये थोड़ा सा इकट्ठा हो रहा है इस तरीके से, बट ठीक है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपन जब भी अपने को बेचना होगा ना तो यहाँ सीधा उठा के बेच देंगे अपन। तो चलो यार नया दे कर लेते सो के फटाफट से 9 बजे का, राइट। एंड एक चीज ये भी देख लेते हैं फटाफट से कि जो रेस्टोरेंट लगाया था ना उसका कोई प्रॉफिट नहीं मिला क्या मेरे को। वेट, मेरे पास सिर्फ $37,500, उसमें लिखा हुआ था कि $60,000 का प्रॉफिट मिलने वाला है अपने को, लेकिन प्रॉपर्टी इनकम सिर्फ $9,800 मिले अपने को। यार छी भाई, कहां $60,000 और कहां $9,000, इतना कम क्यों मिल रहे हैं? क्या रेस्टोरेंट भी डिपेंडेंट है क्या सोलर सिस्टम की, जैसे कि जैसे सोलर में क्या होता है कि जब धूप नहीं होती ना किसी किसी मंथ में किसी किसी दिनों में, तो बिना कम धूप के कारण वो भी ज्यादा पैसे बना नहीं पाता है। हो सकता है रेस्टोरेंट भी ऐसे ही कर रहा हूँ कि ज्यादा ग्राहक नहीं आ रहे उन लोगों के पास में और कम कम पैसे बना रहा हूँ। बट एक्चुअली नहीं यार, अभी इधर देखोगे ना तो अभी भी मई चल रहा है, ऑलराइट, तो मई अभी स्कीप हुआ नहीं है। हाँ यार मैं तभी सोचू इतना कम प्रॉफिट क्यों हुआ, तो मई अभी अपनों ने वैसे 3 दिन में 1 महीना स्कीप होगा ऐसा कर रखा ना सीन इस वजह से। खैर चलो यार नया डे हो चुका है, अपनों ने लास्ट वीडियो के अंदर ना एक फील्ड तो मैंने कल पूरा हार्वेस्ट कर दी थी सनफ्लावर वाली, एंड एक और ये बहुत ही बड़ी वाली फील्ड बची हुई है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि अपना जो हार्वेस्टर है ना वो इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा कि भाई ये फील्ड को हार्वेस्ट करने में ना उसको 2 या 5 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं, देखना। हाँ स्टोरेज अगर फुल हो जाए बीच में तो वो बात अलग है। लेट्स गो, इसमें देख लेते हैं, इसमें भी 12,000 लीटर पड़ा हुआ है, ठीक है। ओ वेट 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 वेट, ये क्या हुआ, द ग्राउंड इज परफेक्टली ड्राई, यहाँ पे यहाँ के सनफ्लावर कहाँ गए, इधर का भी सनफ्लावर, ये मेरे को कुछ समझ नहीं आया। क्या मैंने इसको कभी वर्कर पे दिया था वाली फील्ड में, पर नहीं यार अगर वर्कर करता भी सही ना, तो ये जो देखो नीचे का लास्ट सरफेस है ना, लास्ट की जो फील्ड बच गई ना ऐसे तो दिखनी चाहिए ना वो, मेरे को पता नहीं क्या ग्लिच लग रहा है यहाँ पे, सनफ्लावर प्लांट ही नहीं किए होंगे इस गोचू ने। चलो खैर छोटा सा टास्क है, और पता ही हार्वेस्ट करना आपको कितना मस्त मजा आता है हार्वेस्ट करने के लिए। जंगल बेटे आज तुम्हारा नंबर लगने वाला है, एक बार देख लो कि 35 मीटर हो गए हो कभी तो, 25.5 मीटर तो ये मैक्स लेंथ है इनकी, मतलब मैक्स लेंथ तो 35 मीटर है, बट तरीके से जिस मतलब डायमेंड उसमें लगा रखे ना आपने डेंसिटी के बीच में, भाई बिल्कुल ही बड़े नहीं होने वाले अभी। और आज तो मैं बोल तो रहा था कि भाई छोटी फील्ड है, और हाँ फील्ड कंपैरिजन में तो वो हार्वेस्ट की छोटी है, बट यार टाइम तो इसमें भी तो लगने वाला है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई हवा हवा में भाई सारी फसल ऑटोमेटिक ही मतलब हार्वेस्ट हो जाएगी, करनी पड़ेगी अपने को बैठ के। तो लेट्स गो, मैंने कहा ऊपर से अगर मैं सनफ्लावर देखूँ ना, तो सनफ्लावर कैसे दिख रहा है यार, कैसे लग रहा है कीड़े मकोड़े रेंग रहे हो उसके अंदर, ध्यान से देखो भाई ऐसा दिखता है क्या सनफ्लावर असली में, एकदम ही भाई कीड़े, भाई कीड़े कीड़े ग्रे। ओ वेट वेट वेट, मेरे ग्रेन के अंदर कुछ पड़ा हुआ है क्या,
और इसमें कौन पड़े हुए 40,000 लीटर, मैंने ऑब्जर्व नहीं मतलब नोटिस ही नहीं करी ये चीटों को भी, अपन इनको भी बेच देंगे यार। अभी फिलहाल तो मैं जितना भी सनफ्लावर है ना ये इसके अंदर डलवा देता हूँ सिलो के अंदर, फिर ना अपन कौन सनफ्लावर सारी चीजें एक साथ बेच देंगे और कभी टालेंगे नहीं, आज की इस वीडियो के अंदर बेच देंगे इन चीजों को, ठीक है। फिलहाल तो बस मैं अनलोड करवा देता हूँ इसको, अभी यार ये अनलोड करवाने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। ऑलराइट, तो चलो ये सारा मटेरियल अपना जो 18,000 लीटर सनफ्लावर है ना सबका सब सिलो के अंदर जा रहा है, और ये सिलो दिखने में बड़ी छोटी है बस इसकी कैपेसिटी काफी सारी है, 1 या 2 लाख लीटर के लगभग इसके अंदर सामान अपन डाल सकते मिक्स टोटल मिक्सचर करके मतलब, एंड डन। ऑलराइट कंप्लीट। एंड यार मेरे को सामान बेचना पड़ेगा क्योंकि सामान नहीं बेचेंगे ना तो अपन कुछ भी नई चीजें खरीद नहीं पाएंगे, जैसे मेरे को अगर दूध सेल करना है तो दूध सेल करने के लिए भाई मिल्क का टैंक खरीदना जरूरी है, और वो भाई बिना फ्री में तो आएगा नहीं। कैसे सबसे पहले पाइप है ना उसको अंदर करो, इसको ऑन करो हेडर को, एंड लेट्स गो दोबारा से अपने फील्ड के अंदर लगते, एंड इस बार सारी फील्ड निपटाई देते, और मेरे ख्याल से इस बार अपना हार्वेस्टर कहीं पर भी नहीं रुकने वाला है क्योंकि इसके अंदर सोचो पुरानी पूरी फील्ड की सनफ्लावर भी पड़ी हुई थी। मुझे आई डोंट नो ऐसा क्यों लग रहा है कि सनफ्लावर भाई बहुत कम निकल रही है, सोचो उस पूरी फील्ड से मिला के उस पर इस फील्ड से भी मिला के 18,000 के लगभग, ये तो बहुत ज्यादा कम नहीं हुई। मतलब इन्हीं दोनों फील्ड में अगर मैं शुगर केन प्लान करता ना तो अलग लेवल का प्रॉफिट होता। खैर अभी वो शुगर केन एक बार बड़े हो जाए ना तो फिर देखेंगे भाई कि शुगर केन क्या प्रॉफिट देता है। मैंने कहा ना कॉफी बेचने का आप लोगों को कभी भी अफसोस नहीं होगा यार, कॉफी क्यों बेची अपनों ने, क्यों बेची कॉफी यार, मतलब क्यों कॉफी के ग्रीन हाउस बेच दी अपनों ने यार। एक इंटरेस्टिंग चैलेंज मेरे को याद आया, मतलब जितने भी अपने वो चैलेंज के अंदर कमेंट आया था ना उनमें से एक चैलेंज था मस्त कि ऐसा ऐसा कुछ चैलेंज करो, चैलेंज तो मैं भूल गया हूँ लेकिन इंटरेस्टिंग चीज मेरे को याद रहेगी, और वो चीज ये कि चैलेंज अगर कंप्लीट नहीं हो पाया ना तो 2 झोलो चिप के पैकेट खाएंगे अपन। तो देखो ऐसा है कि झोलो चिप मैंने ऑलरेडी खा रखी है, बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, पर मेन प्रॉब्लम है झोलो चिप लाने के भी तो पैसे होने चाहिए। मालूम है ना झोलो चिप का एक बॉक्स कितने का आता है, 200 रुपए का एक बॉक्स आता है उसका, यानी कि 400 रुपए भाई, 400 रुपए इसके पास है भी। बाकी झोलो चिप मैंने टेस्ट कर रखी है भाई, टेस्ट किया मतलब पूरी खा रखी है मैंने, तो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती वो, बस खाली फर्जी वाली चीजें। कैंपोस्टर, ओ वेट यार 1 मिनट के लिए मेरे को बिल्ड मोड के अंदर आने दो। आई नो मैं बीच बीच में अपन कुछ काम कर रहे होते और बीच में एकदम से चीजें याद आ जाती ना तो बीच में भाई निकल लेते अपन। तो 1 मिनट के लिए मेरे को ना ये जो प्रोडक्शन है ना सेलिंग पॉइंट इसमें देखने दो यार। ओ वेंडा विंडा ये क्या चीजें, अरे भाई ये क्या है, यहाँ पे क्या बिकते हैं, यू कैन सेल, पता नहीं बहुत रियलिस्टिक वो दिख रही है मेरे को सेलिंग पॉइंट। इसके अंदर ब्रिक दिख रहा है मेरे को, ये जो देखो नीचे देखो ये ब्रिक ही लग रही है ना, ईटे मतलब, और ये पेलेट सेल करने का, खैर मेरे को देखना है कंपोस्टर सेल करने का बता दो यार, मजा आ जाएगा मेरे को। एंड यार फिश के पॉइंट देख के मेरे को याद आया कि बहुत टाइम पहले अभी अपनों ने फिश के वो स्विमिंग पूल बेच दिए थे, और फिर मैंने कहा भी था कि अपन बड़े वाले पूल लगाने वाले, लेकिन वो चीज तो याद ही नहीं आई मेरे को, बताओ लगा देंगे भाई लगा देंगे, एक बार पैसे आ गए ना अपने पास में तुरंत लगा देंगे अपन, ठीक है। ओ 1 मिनट रुको, मेरे को एक सेल एवरीथिंग करके एक और चीज दिखी है जो कि सिर्फ $1,000 की मिल रही है, तो मैं इसको टेम्पररी लगा के देखो क्या, अगर काम कर गई ना मैं 1 मिनट के लिए इधर लगा रहा हूँ इसको, अरे नहीं नहीं जहाँ पे अपना सेलिंग पॉइंट लगा रखा ना, तो 1 मिनट के लिए लगा रहा हूँ, वैसे $1,000 ही कट रहे बस, अगर इस पे अगर कंपोस्ट बिकने का ऑप्शन आ गया ना तो फिर तो मजा आ जाएगा ना एकदम। तो इसको ना इस जगह पे लगा के ऐसा करते, अभी अगर मैं इधर से ये जो है ना आपने प्राइसिंग, अगर कंपोस्टर बिक रहा होगा ना तो यहाँ पे उसकी प्राइस आ जाएगी भाई। डर्ट, डर्ट का क्या मतलब है, मिट्टी भी बिकती है इसमें, वेट यार ये ट्राई करना पड़ेगा, मिट्टी मतलब वो जो जेसीबी वगैरह और सही चीजें नहीं है इसके अंदर, तो उससे अपन करके ला सकते हैं शायद से। अरे मेरे कंपोस्टर कहाँ है, कंपोस्टर, ओ कंपोस्ट, ओ वेट, तो ये जो सेल एवरीथिंग कंटेनर है ना यहाँ पे कंपोस्ट अपना बिक सकता है। ओ वेट, अपने पास 37,000 लीटर कंपोस्ट पड़ा हुआ है और पर 1,000 लीटर के अपने को $600 मिलेंगे, मतलब अगर मैक्सिमम प्राइस देखिए, आर यू सीरियस, $2,200 तक जाता है ये, अभी क्या महीना चल रहा है भाई। मैंने यहाँ पे देख के मुझे लगा कि कंपोस्ट $680 का बिकता है बस खाली, मतलब मैं तो उसमें भी खुश हो गया था क्योंकि यार हे वगैरह स्ट्रो वगैरह तो बहुत महंगा ही बिकता है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस हे को कन्वर्ट करो, आई मीन स्ट्रो को, और कंपोस्ट बन रहा है। बट एक्चुअली कंपोस्टर $2,200 तक का बिकता है, मतलब कंपोस्टर ये आया था भाई कॉफी का अलग वो क्या बोलते उसका कॉम्पिटिटर, कॉफी बेचे, मैंने कहा ना कॉफी बेची तो भाई अपने पास में वैसे भी 50 और दूसरे तरीके खुल जाएंगे, तो कंपोस्टर से अपन बहुत तगड़ा प्रॉफिट निकालने वाले, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बस अपने को वेट करना है, अभी मई चल रहा है ना और इसकी हाईएस्ट प्राइस आने वाली है सितंबर मंथ के अंदर, तो मेरे को सितंबर तक का वेट करना है। ट्राई करेंगे कि सितंबर तक बहुत सारा अपन कंपोस्ट बना ले, जितने भी स्ट्रो है ना वो सारे स्ट्रो में को इसके अंदर लाकर डालनी बस खाली, क्योंकि स्ट्रो का और थोड़ी यूज है नहीं, बस कंपोस्ट की फैक्ट्री में स्ट्रो डालेंगे अपन, एंड भाई सितंबर आने तक अपन बहुत सारा वो कंपोस्ट बना लेंगे और सोचो एक साथ बेचेंगे तो कितने भाई मिलियंस ऑफ डॉलर तो अपने को कंपोस्ट से मिलने वाले, मजाक नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल ही। देखो मैं बताऊँ मैं प्रेडिक्शन कैसे कर रहा हूँ, देखो मेरे को आइडिया है कि
मेरे पास लगभग 9 लाख लीटर के लगभग स्ट्रो पड़ी हुई थी। ऑलराइट, एंड अगर अपन इतने में ना अगर अपन वीट वगैरह की फार्मिंग भी स्टार्ट वो कर देंगे ना तो थोड़े बहुत स्ट्रो आई जाएगी। 9 लाख लीटर स्ट्रो जब कंपोस्ट में कन्वर्ट होगी तो मान लो कि 9 लाख लीटर कंपोस्ट बन रहा है, ओके 1 लाख लीटर कंपोस्ट के अपनों को $2 लाख मिल रहे हैं। कैसे? क्योंकि $2,000 पर 1,000 लीटर का बिक रहा है ना, तो 9×18 मतलब 1.8 मतलब 1-2 मिलियन तो ऐसे बन जाएंगे अपने कंपोस्ट से। ओ शीट, मेरे को पता ही था ऐसी कुछ समस्या आएगी, बट इस चीज के लिए अपन रेडी भाई काफी टाइम पहले से। मालूम है ना अपनों ने स्पेशल फ्यूल की कार बना रखी है ताकि इससे जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी ना तब अपन उसको उठा के लिए आएंगे भाई। लेट्स गो। ये देखो भाई पिकअप मस्त है ना, इसके अंदर 700 लीटर फ्यूल पड़ा हुआ है टोटल। एंड कुछ भी बोला यार, ये जो जगह है ना ये हाउस में इसलिए बेचने की बोल रहा था क्योंकि इस जगह को देखो एक बार, ये एरिया में कोई इतना मस्त दिख रहा है ना, और जो मैं कस्टम पार्किंग जोन बनाने की बात कर रहा हूँ ना वो मैं सोच रहा हूँ मैं यहीं पे बनाता हूँ ताकि थोड़ा अपनी नजरों में भी रहेगा बार बार और अच्छा रहेगा ना। यार ये बेल्ट वेल्ट खुलवा लेता हूँ मैं, इसके अंदर मेरे ख्याल से 1 बैरल से काम हो जाएगा। एक काम करते 2 बैरल डाल देते, बड़ा है ना हार्वेस्टर, क्या पता ज्यादा फ्यूल लेता हुए। तो लेट्स गो, इसको डालते एंड देखते हैं। ओ ये सारे ये जितने भी बैरल पड़ी हुई ना ये सब की सब खाली होने वाली है यहाँ पे। सोचो हिल भी नहीं रहा है वो, फ्यूल का कांटा देखो नीचे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई। हटाओ हटाओ ये बेल्ट वेल्ट हटाओ और जितने भी बैरल है ना सब की सब उठा के यहाँ पे डालो। मेरे को लग रहा है सारा फ्यूल अपना जाने वाला है आज, और उसके बाद भी हार्वेस्टर फुल नहीं होगा देखना। एंड कंप्लीट, लेट्स गो, अभी दोबारा से अपने काम पे लगते हैं। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताना ये वाली जो फील्ड है ना आपने, ये फील्ड फ्री हो चुकी है एक तरीके से देखा जाए तो। इस फील्ड के अंदर आप लोगों को कौन सी वाली क्रॉप को नेक्स्ट टाइम प्लांट करना चाहिए, मतलब जो मजा भी आए। काफी सारे बंदे ना सोया का सजेशन देते, लेकिन यार सच बताओ कि मैंने सोया को ट्राई कर रखा है एक बार, काफी टाइम पहले मैंने सोया को ट्राई किया था, उसमें बिल्कुल प्रॉफिट नहीं मिलता यार, मतलब बहुत क्वांटिटी भी एकदम बहुत कम निकलती है उसकी, एंड ऐसी कुछ दिक्कतें आती है। और आप में से कोई बोल रहा था कॉटन फार्मिंग के, तो यस कॉटन फार्मिंग ट्राई कर सकते अपन, है ना, कॉटन करेंगे नेक्स्ट टाइम इसके अंदर। तो चलो यार फाइनली अपनी पूरी फील्ड कंप्लीट हो चुकी है, थोड़े थोड़े टुकड़े जो दिख रहे ना फील्ड के अंदर इसको भी मैं जा तो रहा ही हूँ, इसको भी समेटते समेटते चलते, हल्के हल्के वैसे भी इससे कोई फर्क तो ज्यादा पड़ेगा नहीं, लेकिन देखा जाए तो अपने दोबारा से 18,000 लीटर के लगभग हो चुकी है टोटल सनफ्लावर। और आई तो अगर अपन अच्छे से भी अंदाजा लगाए ना तो दोनों फील्ड भाई 100% थी, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, दोनों फील्ड के अंदर जो सनफ्लावर अपने प्लांट किए थे ना तो 100% था वो सब। लेकिन अपने 2 हार्वेस्टर पूरे पूरे भर गए, देखो ये भी 2% ही कम है, लेकिन मान के चलते कि चलो ये भी 100% हो गया है। तो लेट्स गो पाइप निकालते और इसको भी जो मडीवल ग्रेनरी है ना अपनी इसके अंदर इसको भी खाली करवा देते। एंड ऑलराइट, तो ये खाली होता रहेगा इधर से। एंड मस्त, ये देखो भाई ये सनफ्लावर दिखने में कैसे दिखते यार, जैसे कोई कीड़े मकोड़े होते हैं ना। सबसे पहले मेरे पास 3 चीजें, देखो मेरे पास सोया भी पड़ी हुई है, एक्चुअली अपन यहां से भी देख सकते हैं। देखो तो मेरे पास सनफ्लावर पड़ा हुआ है 30,000 लीटर, सोया पड़ी हुई है 12,000 लीटर, और कॉर्न पड़े हुए 40,000 लीटर। और अगर मैं बेस्ट प्राइस देखूं ना तो अभी चल रहा है मई, दरअसल तो मई के अंदर तो भाई कॉर्न की तो एकदम ही खत्म हालत है, मतलब इसके जस्ट एक मंथ बाद जून के अंदर इसकी पीक प्राइस आने वाली है जो की $1,500 की आएगी। सोया की भी कोइंसिडेंस देखो, सोया की भी एकदम डाउन चल रही है, अभी 4,000 के लगभग आएगी इसकी जून की, एक महीने बाद की बात है। सनफ्लावर की देखिए, सनफ्लावर तो मई में भी डाउन है, जून में भी डाउन है, जुलाई में भी डाउन है, अगस्त सितंबर फरवरी में आने वाली इसकी तो अच्छी प्राइस, 2300-2600 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, तो अपन सनफ्लावर बेच सकते हैं ना, इसको टेक करते मैरिसन, वो वैसे दूर जाना पड़ेगा उसके लिए मेरे को। खैर चलो, यहाँ पे बहुत सारे वीट है तो अब इन वीट को कहाँ डलवाऊं यार मैं, कितने इसमें 4,000 लीटर वीट है टोटल, और कूप खाली हो गए होंगे थोड़े थोड़े। तो काम करते हैं जो हल्के पुल्के वीट और पड़े ना इसको वीट के अंदर ही डलवा देता है, आई मीन कूप के अंदर, ताकि ट्रेलर अपना खाली हो जाए, अपन सारा आइटम अपना लेके जा सके। लेट्स गो, डालो डालो जल्दी भैया, कहाँ डलवा यार, वीट डालने की तो जगह नहीं दिख रही मेरे को अलग, यहाँ पे खाली कर दूंगा मैं, काम करता हूँ यहाँ पे खाली कर देते वैसे भी। ओ वेट, क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे पास सिलो रह गई है उसके अंदर खाली करते ना इसको, अजीब हाल बेहाल है यार। लेट्स गो, पहले तो ये वाली जो सिलो आई मीन वीट है ना इसको डलवा देते सिलो में, ताकि नेक्स्ट टाइम यहीं से अपन लोड करवा के उनको डाल देंगे। एंड अब इसके अंदर लोड करवाते अपन क्या, और को पहले क्या बेचना है अपने को, पहले सनफ्लावर बेचना है। राइट, तो सनफ्लावर मेरे पास पड़ा हुआ है, होप सो एक बार में पूरे ट्रेलर में आ जाए, 5% तो ट्रेलर खाली रहेगी अपना बताओ। तो चलो यार, मार्क से लोकेशन करी रखी मैंने, और हैवी व्हीकल में कार लेके चलू क्या, कार फास्ट एक्चुअली बट वो चला पाएगी इसको, चला नहीं पाएगी यार, आगे से उठ जाएगी वो। तो चलो ये वाला जो ट्रैक्टर है ना अपना, इसी को लेके चलते हैं। एंड आप में से एक बंदा ना बड़ा गलत कंपेयर कर रहा था यार, मैंने कहा था ना पिछली वीडियो में कि यार कॉफी का जो ग्रीन हाउस है ना वो बहुत अनरियलिस्टिक प्रॉफिट देते, तो इस वजह से मैं उसको हटा रहा हूँ, इस वजह से मैं नहीं लगाऊंगा। तो एक बंदा बोलता है अगर कॉफी अनरियलिस्टिक है तो भाई ये जो रास्ता आपने बनाया ना ये भी तो अनरियलिस्टिक है। अरे यार ये अनरियलिस्टिक कहाँ लग रहा है यार, आपने इतनी मस्त इतनी मेहनत करके जेसीबी पे जेसीबी क्रेन रोल और पता नहीं क्या क्या मशीनें चला चला के यहाँ पे रास्ता बनाया यार इतना अच्छा। ये देखो भाई फर्स्ट पर्सन व्यू में एक बार नजारा लो रास्ते का, आय हाय हाय हाय। एंड वेट यार, इसमें दिक्कत आने लगी भाई, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा करके चढ़ा दूंगा उसको, सीधा सीधा तो स्लीप कर रहा है, पर फायदा ऑफ चेन देखो यार। तो इस तरीके से अगर यार अपना ट्रैक्टर अगर चढ़ नहीं रहा और रिवर्स जाने लग जाए ना तो ये भाई बहुत मस्त तरीका है, इसको मैं हमेशा यही तरीका फॉलो करता हूँ, इसको लेफ्ट राइट टर्न करो ताकि ग्रिप बनी रहे इसकी, मस्त अपन आराम से चढ़ पाए
मजे मजे में। यार अगर अपने को सनफ्लावर को मैक्स प्राइस में बेचना होता ना तो अपने को थोड़ा टाइम और वेट करना पड़ता, लेकिन मैं अभी उसको ले जा रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा फर्क है नहीं। मैक्स प्राइस की $2600 तक चली जाएगी और उसके लिए मेरे को कम से कम 7-8 महीने वेट करना पड़ेगा। इतना क्यों वेट करना है, अभी $300 कम बिक रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वेट मैं गलत आ गया, इसको बेचने के लिए अपने को ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। वेट यहाँ से ट्रेन रेंट हो जाएगी। ऑलराइट, ट्रेन रेंट हो चुकी है, अभी वहाँ पे जाके मेरे को मटेरियल खाली करना पड़ेगा। और इस जगह मैं ऑलरेडी एक बार आ रखा हूँ, मैं काफी टाइम पहले यहाँ पे कुछ तो मटेरियल लेके आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। और ट्रेन आ गई, नहीं यार सीट भाई, अब इसको आने में दोबारा बहुत टाइम लगेगा। ये देखो सामने से आ रही है एकदम। अबे यार नहीं भाई, थोड़ी सी लेट हो जाती ना भैया, हम मस्त यहाँ पे मटेरियल वगैरह अनलोड करवा लेते हमारा। अच्छा जैसे $43,000 है अपने पास में, देखने वाली बात होगी कि पैसे मिलेंगे कितने अपने को। चलो अपना जो मटेरियल है वो यहाँ पे इसकी स्टोरेज वगैरह में डलवाते हैं एंड दोबारा से वेट करते हैं ट्रेन के आने का। ये देखो इधर जा रही होगी ट्रेन। ओ वेट, वो मेरी तो रेंटेड है। अरे यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है क्या सच में? अच्छा वो ये क्या हो गया? अच्छा रुको रुको रुको, अबे क्या कर रहा है, उसको लगने तो दिए। मुझे लगा था ट्रेन चली जाएगी बट नहीं यार, मैंने तो रेंट पे ले रखा उसको, ऐसे कैसे चली जाएगी वो। ट्रेन को मेरे को ना पीछे लेके आना पड़ेगा, यहाँ से सामान वगैरह लोड करवा के फिर दोबारा चलना पड़ेगा उसको। इंटर व्हीकल, ऑलराइट, तो ठीक है ट्रेन के अंदर अपन बैठ चुके हैं। मस्त यार ट्रेन के अगर अंदर का नजारा देखिए, इंटीरियर देखो यार एकदम भारतीय रेल, मतलब देखी ना तुमने अंदर से भाई, सेम टू सेम वैसा नजारा। हालांकि अपने रेल में कांच होते हैं, इसमें कांच दिख नहीं रहे मेरे को। है क्या यार, आराम से ब्रेक भी लगाना यार। कहाँ बस बे यार, वो देखो निकल गया ना पीछे। 35,000 लीटर डन। तो अंदाजा लगा क्या अपन अगर प्राइस में जाके अगर सनफ्लावर के रेट देखे ना तो ओके, तो अभी ना मैं ओके नहीं कर रहा हूँ इसको, तो प्राइस का थोड़ा सा अंदाजा लगा था कि कितने मिलने वाले अपने को। तो 35,000 लीटर अपनी सोया थी टोटल, और 2200 की रेट के हिसाब से कर देखिए अपन तो 70 और कितने हो गए 35,7, तो 77,000 के लगभग, 77 या फिर $80,000 के लगभग मिल जाएंगे अपने को। कितने मिले, $81,000। वो शीट यार, कितना एस्टिमेटेड अपना अच्छा था भाई, मतलब गेस जो था ना बहुत अच्छा था। वो $80,000 का लगाया था अपनों ने और $81,000 मस्त है, $82,000 मतलब $124 की हो चुकी यार। अच्छा आप लोगों ने चीज ऑब्जर्व करी क्या कभी, अपन ना क्रॉप को बहुत नेग्लेक्ट कर रहे थे काफी टाइम तक। यार क्रॉप तो ज्यादा पैसे नहीं देती यार, ज्यादा प्रॉफिट नहीं देती, बट नहीं यार अगर क्रॉप ज्यादा क्वांटिटी में हो ना तो बहुत प्रॉफिट देती हो। ये टाइम है अपने व्हीकल को ऊपर से पहाड़ कुदाने का। अटक गया बेचारा गलत जगह पे कुदा दिया। अरे बाबा सीधा हो गया। तो चलो यार $20,000 का मेरे को अच्छा सा टैंक मिल रहा है जिसकी कैपेसिटी भी भाई अच्छी है, इसके अंदर 25,000 लीटर मिल्क आ जाएगा। मतलब मैं चाहूँ ना तो भाई इसके अंदर ऐसे ऐसे टैंक भी है, क्योंकि अनरियलिस्टिक करके अपन उनके अंदर ऑप्शन आता है, अनरियलिस्टिक करो और भाई काफी सारा दूध एक साथ ले जाओ, मतलब 80-80, 50-50, मतलब बहुत सारा लीटर एक साथ में, लेकिन वो नहीं चाहता हूँ मैं, इस वजह से तो मैं अच्छा ढूंढ रहा था। एंड ये देखो भाई फाइनली अपने को मिल भी गया, इसकी कैपेसिटी है 25,000 लीटर मिल्क प्लस छोटा साइज में, तो अपन आराम से अपना वो जो है ना उसके अंदर से निकाल पाएंगे इसको। कार का अपनी वो रेंज रोवर थी ना मेरे पास में, वो कहाँ खड़ी कर दी अब मैंने। हेलो रेंज रोवर कहाँ हो तुम, रेंज रोवर वो पड़ी हुई वहां पे भाई, हनी के फार्म में पड़ी हुई। तो चलो यार बहुत टाइम हो गया इस वाली गाड़ी को चलाए हुए। एंड एक मिनट रुका, इसके पीछे दूध का टैंक वगैरह कनेक्ट करवाते और दूध लोड करवाते, उससे पहले यार इसकी स्पीड का ना, इसकी स्पीड और उसकी जो हालत है ना वो एक दूसरे को सूट कर नहीं रही है बिल्कुल भी। तो अपना ना यहाँ पे काफी टाइम पहले ये स्प्रेयर लगाया था, तो फटाफट से इसको ना एक मिनट लगेगा मेरे को इसको धो देते यार एक बार, है ना, चमाचम करेगी ना तो मस्त दिखेगी। और इसका जो कलर है ना, कलर मेरे को चेंज करना चाहिए क्या, बार बार कलर चेंज करता रहेगा, दूसरी कार खरीदेंगे यार नए कलर की, ऐसी क्या बात हो गई। यार चलो जो भी हो भाई, कार भी पतली अपनी एंड अपना टैंक भी पतला है बहुत ही अच्छी तरीके से। बस अभी तक मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि अंदर से निकालने पे दूध लोड हो जाएगा, तो हो जाना चाहिए यार, ऐसा ना हो कि पोपटी हो जाए अपना। यार बहुत ज्यादा दूध यार, तो मेरे को काफी ज्यादा राउंड करने पड़ेंगे, मैं लोड नहीं करवा पा रहा हूँ वो। तो क्या मेरे को इसके अंदर लगाना पड़ेगा इसको? यार ये देखो छोटे व्हीकल होने का फायदा देख रहे हो, मतलब कहीं पर भी अपन घुसाओ इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड मिल्क क्यों नहीं आ रहा इसमें? अरे ऐसा मत करो यार, वेट इसमें भी मिल्क लोड नहीं करवा पा रहा हूँ मैं। अरे ये क्या बात होगी, मतलब मिल्क वेस्ट हो जाएगा क्या अपना? मैं दोनों में से मिल्क लोड नहीं करवा पा रहा हूँ, मैं अंदर भी लगा ली मैंने कार को, क्या इस टैंक के अंदर कुछ नलिया वलिया लगने का सीन तो नहीं है ना? नहीं यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं सारे बटन दबा दे रहा हूँ अपने कीबोर्ड के। ओपन कवर, ढक्कन खुल गए। अरे वेट यार, इतना क्या रियलिस्टिक बनाया भाई, मतलब मेरे को ढक्कन खोलना पड़ेगा इन दूध को लोड करवाने के लिए, बताओ भाई। यार अपना तो ढक्कन लगाओ भाई, यार बड़ा रियलिस्टिक बनाया यार तो मिल्क का टैंक। ओके ठीक है, अभी अपने पास में है 25,000 लीटर मिल्क, तो फटाफट से प्राइस देख लेता हूँ मैं। 73,000 लीटर तो मेरे उसमें पड़ा हुआ है, 25,000 मेरे पास, यानी कि अपने पास 100,000 लीटर हो चुका है दूध टोटल। और जितना दूध पड़ा हुआ है ना उतने ही पैसे मिलने वाले अपने को, मतलब 130K मिल जाएंगे अगर मैं कुकी स्टेशन पे बेचता हूँ ना इसको। तो फटाफट
से जितना भी मिल्क है ना मेरे पास में, जितना भी मिल्क मैं सारा मिल्क बेचने वाला हूँ। ठीक है यार, ये कार क्या चल रही है, हवा से बातें करती है सीधे सीधे। चलो यहाँ पे बेचते हैं एंड देखना पैसे अपने पास गिन लो, 105 के अपने पास में टोटल। ठीक है, तो सारा दूध मेरे को 4 राउंड लगेंगे मुश्किल से, सारा दूध आ जाएगा अभी। आय हाय, और डन, $33,000 मिले मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर के। लेट्स गो दूसरा ट्रेलर एंड चलो। अच्छा ये मैं क्यों बेच रहा हूँ मालूम है क्या, इसके पीछे अलग रीजन है। ये इतने जो पैसे आ रहे हैं ना, ये पैसे भी एक मिनट में ऐसे होने वाले, क्यों बताता हूँ मैं। एक बार सारा मिल्क बेच दे अपन, बहुत धीरे धीरे बिक रहा है यार, ये गलत बात है। तो चलो यार, ये है लास्ट टैंक एंड सारा का सारा मिल्क मैं अपने साथ दोनों ही बांध से लेके आ गया हूँ। एंड सब कुछ बेचने के बाद में जो अपना जो प्रॉफिट हुआ है वो हो गया है टोटल 241K। मेरे पास में 105K थे। खैर चलो काम करते, इसको ना इसकी पोजिशन पे खड़ा कर देते इस जगह पे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़ेगी ना तो अपन इसको यहीं से ले लेंगे। आप देखो यार, मैंने कहा था ना कि पैसे बहुत ज्यादा दिख रहे, बट ये तुरंत खर्च होने वाले। खर्च कैसे होंगे पता है क्या, एनिमल देखे ना, तो अपने जो एनिमल हस्बेंड्री है ना, देखो अपने ने क्या बात करी थी कि भाई बहुत सारी एनिमल हस्बेंड्री लगाने वाले अपन, मतलब बान पेस्टर ये सब जो चीजें होती ना ये काफी सही लगाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अपने को मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना है ना, तो इनकी क्वांटिटी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। अब अपन डिपेंडेंट नहीं हो सकते इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, वो तो बहुत टाइम लग जाएगा उसके अंदर, तो समझो। तो मैं सोच रहा हूँ कि देखो 180 की इसकी कैपेसिटी और 62 के अंदर है ऑलरेडी, तो क्यों ना जो 1500 वाली है ना ये मैं पूरी की पूरी 60 खरीद लूँ। मिक्स विक्स नहीं खरीद रहा हूँ मैं, इनको खाने की डेफिनेटली जरूरत पड़ने वाली है। 120 हो चुकी है एंड 140K बचे हुए मेरे पास में। यहाँ पे देखो तो ओके, यहाँ पे देखो सारे के सारे शिप जो है ना वो मस्त बैठे हुए भाई, कोई मरा नहीं है। और इधर खाना खत्म हो गया, वेट वेट वेट, ये क्या हुआ, खाना लाओ अभी, खाना लाओ जल्दी से। मतलब अभी डेफिनेटली मैं बेल उठा नहीं सकता हूँ, बेल निकाल दी मैंने वैसे काफी सारी, पर मैं बेल नहीं उठा सकता हूँ यहाँ से भाई। ये है सुखी है डाल देते ना सीधे सीधे, खुली खुली आई मीन एक ट्रेलर भर के डाल देते, एक ट्रेलर में 46,000 लीटर आती है। नेक्स्ट टाइम जब भी अपना वो ऑटो लोड का ऑन हो जाएगा ना, तो फिर अपन बेल का स्टेक डाल देंगे पूरा पूरा, वो जो निकाल रखा ना साइड में। अच्छा यार दिखने में कैसा लग रहा है कि अपने पास इतनी सारी हे पड़ी हुई है उधर से, देखो एक बार गिनते हैं ठीक है ना। 45,000 लीटर इसमें पड़ी हुई है, अगर यहाँ पे देखो तो 8,00,000 लीटर घास यहाँ पे पड़ी हुई है, इधर देखो तो 4,50,000 इधर पड़ी हुई है। कितनी सारी घास है अपने पास में, कितनी सारी घास पड़ी हुई है यार, मतलब दिखने में कैसा लग रहा है, बट मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ये घास अब भी ना ऐसी खत्म होने वाली है ना, ये देखो अटेंशन टेक केयर ऑफ एनिमल आ ही गया, देखो बहुत जल्दी सारी घास खत्म हो जाएगी यार। और अपनों ने जितना कलेक्शन किया था ना वैसा कलेक्शन अपने को दोबारा करना पड़ेगा फिर से। चलो खैर वो बात की बात है, देखा जाएगा वो। फिलहाल तो इन लोगों को खाना डालते हैं। अरे यार ये कहाँ से बीच में आ जा रहे हैं, टच मत होना, टच हो गया क्या? अरे वेट, ये तो टच ही हो गया ऊपर। अबे यार कितनी प्रॉब्लम है भाई, कितनी प्रॉब्लम से देख लो भाई। जैसे ही मैंने इस जमीन को थोड़ा सा सही किया एंड आ भी गया अभी डालने का ऑप्शन, बट अब पता है प्रॉब्लम क्या है, देखना है थोड़ा सा लोड लेगा, मतलब इसकी कैपेसिटी 12,000 लिया और बंद हो गया भाई। अब मैं जबरदस्ती यहाँ पे खाली भी नहीं कर सकता इसको, अगर मैं इसे खाली कर दूंगा ना तो सेक्शन इज कैन नॉट परफॉर्म हियर। तो इस वजह से बेलिंग का काम मेरे को बहुत मस्त लगता है, उसमें थोड़ी सी वो वाली है, थोड़ा सा टाइम वाली चला जाता है, बट मस्त काम है बेल का यार। और इधर अगर TMR देखे तो TMR तो बन ही गया 45,000 लीटर। वैसे काऊ के खाना खत्म हुआ है क्या भाई, काऊ लोगों के खाना खत्म हो गया है, उनको भी डालना पड़ेगा। ऑलराइट ठीक है, आ गया ऑप्शन आ गया। तो चलो भाई काउ के डलवाते हैं, एंड कितना लेगा ये आई डोंट नो। इनकी कैपेसिटी काफी ज्यादा यार, तो ये तो सारे मार जाएंगे देखना। इनफैक्ट 45,000 लीटर वो भी बना पड़ा है TMR, तो मैं इनके TMR भी डाल सकता हूँ, तो ये खाना डालना इनके बनता है यार। अभी देखा ना सीधा कितना प्रॉफिट दिया इन्होंने एक झटके में। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा और खाना यहाँ पे डलवा लो यार, बस हो गया। ऑलराइट ठीक है, TMR वगैरह बाद में डलवाएंगे अभी। तो चार लोगों को इनफैक्ट कूप में भी जो पोस्ट वो है ना अपना पोल्ट्री फार्म, उधर भी अपने फुल ऑन फुल खाना डाल रखा है, तो सारे जानवरों के मस्त खाना डाला हुआ है। अभी आते हैं अपन इस वाले पोर्शन पे एंड सबसे पहले करते हैं अपन चीजें बेचना शुरू, बिल्ड मोड में आ जाते हैं। तो पहले क्या करना है मेरे को, पहले तो ये जो जगह है ना इसको फ्री करना है। तो सबसे पहले जो फेंसिंग लगा रखी है ना, फेंसिंग काफी अच्छी है बट काफी पुरानी हो चुकी है यार, तो अभी थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है इन सब चीजों को। तो यहाँ का जो पूरा नजारा है ना, पूरा सीनरी ही बदलने वाला हूँ मैं, ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ चीजें करते जाएंगे अच्छा हो ही जाएगा। चलो भाई पहले तो ये जो फेंसिंग है ना ये हटाओ, ये शेड वगैरह हटाओ यहाँ से, ये पूरा एरिया एकदम फ्री चाहिए मेरे को, क्योंकि जितना बड़ा एरिया होगा ना उतने ज्यादा उतने अच्छे से अपन मॉडिफाई या फिर बोलो कस्टमाइज कर पाएंगे उसको। घर भी बेच दो भाई, घर तो $22,000 का बिका बस खाली। ओके तो जगह
हो चुकी है एकदम क्लीन। अभी ये जो तीन पेड़ है ना, तीन क्या एक्चुअली तीन वो और इधर भी दिख रहे यार ये देखो। तो ये जो पेड़ है ना, सबसे पहले इन पेड़ों को निपटाने दो मेरे को, क्योंकि इन पेड़ों की कोई जरूरत नहीं यार। पेड़ अपन और अच्छे वाले लगा देंगे इसमें ना, ठीक प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पेड़ ना इन्होंने काफी अच्छे दिख रहे हैं, बट क्या करो यार अभी मजबूरी है ना, तो निपटाना पड़ेगा इनको। ओके डन, आई होप सो ये लकड़ी ज्यादा भारी नहीं होगी। ओके लकड़ी बिल्कुल भारी नहीं है इनको, तो मैं 60 किलो की लकड़ी बताओ भाई। तो ये जो है ना इसको इधर डाल देते, रोड जाम कर देते थोड़ी देर के लिए। कोई ट्रक व्रक लेके नहीं आ रहा हूँ मैं, सिर्फ 4-5 लकड़ी उठाने के लिए। अभी 24 किलो की तो लकड़ी यार एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, बाद में कभी आएंगे ना इधर फुर्सत में तब उठा लेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो जगह अपने कर दी क्लियर। अभी ये जो ट्रेलर पड़ा हुआ ना, इसके लिए मेरे को ट्रक लेके आना पड़ेगा यार, नहीं तो इसको हटाओ किस में। काम करूँ हार्वेस्टर से धक्का मार देता हूँ इसको, है ना। ट्रक कहाँ लेने जाऊंगा, ट्रक मेरे को पता भी नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। तो चलो इस हार्वेस्टर से धक्का मार देते हैं। तो ये जो ट्रेलर है ना, ट्रेलर ये जितने भी बैग वैग पड़े हुए यहाँ पे लिक्विड फर्टिलाइजर वगैरह वगैरह चीजों के, सब आ जाएंगे भाई एक ही बार में। लेट्स गो सीधे एक के स्टूल में। अरे नाइस, ठीक है भाई हो गया काम। अच्छा सबसे पहले तो पेंट करके ना ये जो एरिया है ना, आई मीन ये जो जगह जैसी दिख रही है, इसको नॉर्मल कर देता हूँ पहले तो, नॉर्मलाइज है ना। फाइनल कलर क्या रखेंगे, पर फाइनल नीचे का वो क्या रखेंगे वो अभी से डिसाइड नहीं कर रहे अपन। अभी जस्ट और जस्ट अपन क्या कर रहे हैं, एक जैसा कर दे रहे, ठीक है। तो ये जैसा जैसा दिख रहा है ना, एक जैसा हो जाएगा बिल्कुल मस्त, एंड कुछ इस तरीके से डन। अभी शाम कहाँ से उगी थे, अभी तो भाई बताओ, अभी तो सुबह करी मैंने 2 मिनट पहले। खैर अब बिल्डिंग के अंदर आ जाते हो, और जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो ऑफिशियल शेड है ना, ये भाई बड़े बकवास लगते हैं यार। तो ये इसके अंदर जैसे सोलर प्लेट वगैरह है, तो पैसे मिलते थोड़े से जैसे $480 महीने के, बट नहीं चाहिए यार हमें, तुम्हारी रखो ये चीजें। फिलहाल अपने पास में देखो अच्छी चीजें कितनी पता, एक देखो एक ये चीज अच्छी है, एक ये ज्यादा खास नहीं है। ये ओपन वाला तो लगा ही रखा था अपनों ने, ये अच्छा दिख रहा है मेरे को। एक तो ओपन भी है एंड थोड़ा सा जो ब्रिक वाला टेक्सचर भी इसके अंदर, तो काफी मस्त चीज है। फिर ये देखो एकदम ओल्ड टाइप का, तो इनका मिक्स करके अपने को कुछ बनाना। ये देखो हार्वेस्टर के लिए कितना परफेक्ट रहेगा यार, हार्वेस्टर अपना बड़ा ही है ना। एक मिनट हार्वेस्टर इधर आते हो, ये देखो भाई हार्वेस्टर के लिए स्पेशल चीज। अरे यार तो इसको किस तरीके से लगा रहे, काम करते हैं। ये जो है ना यहाँ से लगाना शुरू करते, ठीक है। और मैं बिल्कुल भी अलाइनमेंट के साथ धोखाधड़ी नहीं करना चाहता यार, तो अलाइनमेंट अच्छे से करते एकदम। तो कॉस्ट कितनी जाने वाली इनकी मेरे को कोई आइडिया नहीं उस बात का। एक काम करते थोड़ी जगह छोड़ देते भाई, वॉल भी तो लगानी है हम लोग को, दीवार के लिए भी तो जगह छोड़ो यार। दीवार फिर पीछे अगर बगीचा वगीचा बनाए अपन, है कि नहीं। तो इतनी जगह छोड़ देते हैं इसके जस्ट साइड में, क्योंकि देखो एक रहेगा ना तो एक बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। थोड़ा अपने को अच्छी डिजाइन बनानी एकदम, मैं थोड़ा ओपन टाइप का बनाना चाहता हूँ इसको, ठीक है। तो एक को जस्ट इसके पास में करके कैसा मस्त लग रहा है। इसके अंदर ना जो छोटे छोटे व्हीकल रहेंगे ना अपने, वो बढ़िया से आ पाएंगे। कुछ और लेते जैसे देखो ये अच्छा दिख रहा है, इसको लगाने का ट्राई करते हैं। अच्छा इसको भी इसे जस्ट सटीक एकदम टच करके कर दूंगा। इधर बीच में रास्ता बंद हो रहा है, काफी सारे रास्ते बंद होने वाले आज मालूम है ना, बट ठीक है यार कोई बात नहीं, रास्ते तो नहीं बना लेंगे अपन, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको फिलहाल इधर करके एंड डन। और वैसा का वैसा सेम अगर मैं इधर करना चाहूँ तो, उधर सिंगल है ना, इधर मैं डबल वाला कर सकता हूँ एंड डन। ओके तो वेट, अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। हाँ यहाँ पे थोड़ी फ्री फ्री दिख रही है, लेकिन ठीक है रिटच जब अपन देंगे ना इसको तब अपन कर लेंगे। एंड रही बात इसकी, वो कहाँ गया भाई मेरा हार्वेस्टर का दिखा था एक बड़ा प्यारा सा, ये रह गया भाई। इसको यहाँ पे लगाते हैं और मैं सोच रहा हूँ इसके जस्ट सटीक चिपका ही देते इसको, है ना, अच्छे से अलाइन करके। ये थोड़ा सा इसकी जो पाइप है ना वो इसके अंदर से निकाल दी अपनों ने, बट यार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो कनेक्टेड रहेगा ना जितना उतना मस्त दिखेगा। तो यहाँ पे ये ना पूरा ओपन है इधर से उधर निकलने के लिए, तो उधर से अपन इंटर करवाएंगे, इधर निकाल देंगे, इधर मार्केट भी है, मतलब अगर कुछ बेचने बेचने आना पड़ेगा ना तो इधर से रास्ता निकाल देंगे अपन। खैर ये जगह तो प्रॉपर अपन हार्वेस्टर के लिए ही रखने वाले हैं। यार अभी ने एक चीज देखी थी मैंने, ये पुराना शेड, इसको भी अपन लगा सकते हैं। इसके अंदर क्या रखेंगे भाई, देवे यहाँ पे लगा देते हैं इसको मस्त। एंड एक अच्छा नहीं लग रहा है, दो लगाते तो कैसा रहेगा। अरे बाबा क्या दिख रहा है भाई, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे टूल रहेंगे ना अपने, जैसे हो गया अपना सीडर हो गया, या फिर ये जो है ना क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजर, लाइम छिड़कने वाली मशीन, या फिर डोली वगैरह, इस टाइप की चीजें ना अपन इसमें पार्क कर सकते हैं। ओके तो एक बार ऊपर से देखो अभी का नजारा कुछ ऐसा दिख रहा है इसका। ओके तो चलो यार नया डे हो चुका है, अब दोबारा से आ जाते हैं अपन बिल्ड मोड के अंदर और फिर से अपना जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है ना उसको शुरू कर देते। अब देखो यार मैं यहाँ पे एक चीज सोच रहा हूँ, यहाँ जो सेंटर पार्ट है ना वो ऊपर से देखो यार क्या जबरदस्त लग रहा है। तो जो सेंटर पार्ट है ना, क्यों ना मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक पूल बनाए अपन, पूल नहीं मतलब पेड़ लगाएंगे, लेकिन वो नॉर्मल पेड़ नहीं लगाते, थोड़ा सा पानी स्टाइल में, मतलब थोड़ा सा हल्का सा लेक टाइप फील। आई नो यहाँ पे व्हीकल वगैरह की जगह है अपने को ये चीजें नहीं करनी चाहिए, बट ठीक है यार ये काफी मस्त दिखेगा भाई दिखने में। तो इसको इस तरीके से फील कर देते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते अपन, ठीक है। पानी के लिए अपने पास में एक मस्त चीज है, देखा है जो इस तरीके से पाउंड लगेगा ना भाई, कितना प्यारा दिख रहा है यार ये। एंड अभी इसके अंदर लगाते अपन एक बढ़िया सा पेड़, कौन से कलर का अच्छा रहेगा यार, व्हाइट कलर, पिंक कलर। चलो यार व्हाइट कलर वाला मस्त लग रहा है, तो इसको बस सेंटर में ले जाके
हैं, इसको इस जगह से ऐसे अटैच करवा देते हैं। मस्त लग रहा है ना, पानी के बीच में पेड़ बड़ा होता हुआ। एंड यहाँ की जो जगह है ना, इस जगह पे अपन थोड़ी बहुत डिजाइन दे सकते हैं। पता है कैसे, यहाँ पे अगर मैं प्लांट वगैरह के अंदर जाऊँ ना, तो ये देखो मेरे पास छोटे छोटे ना ये रहेगा जो आवाज करने वाले चीजें, तो यहाँ पे जब भी आएंगे ना अपन, कुछ ना कुछ साउंड आता रहेगा अपने। साउंड कैसा आ रहा है यार, कर 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 टाइप का है ना। खैर ये देखो इस टाइप का लग रहा है, व्हाइट कलर का पेड़ भाई, मतलब व्हाइट बहुत ही अनयूजुअल कलर होता है, बट ये बहुत मस्त लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है इससे कुछ शांति का प्रतीक लगा दिया उन्होंने। इसमें डेकोरेशन में रखे ना थोड़ी बहुत, ये जो एरिया है ना, इसमें मैं चाहूँ तो फेंसिंग भी कर सकता हूँ। फेंस कर सकते हैं अपन यार, है ना। पर फेंसिंग क्यों करनी यार, फेंसिंग करेंगे ना तो फेंसिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, तो फेंसिंग रहने देते हैं। और ये जो अपनी यूजुअल घास है ना, और इसी का मस्त वो वाइब दे देते थोड़ी 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 थोड़ी। और क्योंकि बीच का पाउंड है, तो इसको थोड़ा थोड़ा ना इस तरीके से ये क्या बोलते हैं, थोड़ा रैंडम टेक्सचर दे देते हैं। ऐसा नहीं लगेगा भाई आर्टिफिशियली बना रखा हो, वैसे बनाए तो अपना आर्टिफिशियली है, बट यार थोड़ा अच्छा लगेगा ना अगर ऐसा रैंडम वाइब दे देंगे थोड़ी। तो देखो यार मैं चाहूँ तो फेंसिंग वगैरह कर सकता हूँ, फेंसिंग करने से ना बहुत ही मस्त लुक आ जाएगा। पर पता फेंस में इसलिए नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि फेंसिंग से क्या होगा कि एरिया जो है ना वो ब्लॉकेज ब्लॉक हो जाएगा, मतलब समझ लो। अभी तो क्या, अगर मैं गाड़ी वगैरह भी लाता हूँ ना, तो मैं आराम से पानी के अंदर से भी निकाल सकता हूँ, बट फेंस लगाने के बाद ना एरिया एक तरीके से ब्लॉक हो जाएगा, और वो उसमें मजा नहीं आएगा फिर यार। अब मैं देख रहा हूँ लाइटिंग किस टाइप की करें। वैसे यहाँ पर नामकरण अभी बाकी है, नीचे का जो सर्फेस ग्राउंड है उसको अभी करना बाकी है, पर अभी मैं सोच रहा हूँ पहले लाइटिंग है ना वो देख लेते हैं अच्छी से। लाइटिंग यार ये तीन वाली जो लाइट है ना, ये मेरे को सही दिख रही है ना, मतलब अच्छी भी है, दिखने में भी अच्छी है, और थोड़ा तीन डायरेक्शन में लाइट रहेगी ना तो बढ़िया भी लगेगा। ऐसे चेयर चेयर के साइड में यार ये छोटी छोटी लैंप भी मेरे पास में देख रहे हो, मस्त ये लगा देते हुए। और एज यूजुअल जो हमारी डिजाइन हमेशा रहती है, मतलब ये डिजाइन बस इसलिए ताकि इससे ना बहुत मस्त टच आ जाता है यार। अगर मेरे पास थोड़ी और वैरायटी की घास होती ना तो बात ही अलग हो जाती, बट ठीक है अभी नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ओके तो एक ग्रीनरी तो मेरे को यहाँ पे ठीक लग रही है, तो इससे क्या होगा कि देखो ये रस्ते में भी नहीं आ रही है, एक्चुअली रास्ता यहीं से निकलने वाला है, तो रस्ते में ही इसका एरिया भी आ जाएगा, ये कलेक्शन का ड्रॉप करने वाला एरिया जो भी बोल लो। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं दो तीन ग्रीनरी लगा सकता हूँ यहाँ पे। ओके तो अभी देखोगे ना तो ये जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया हो चुका है एकदम फ्री, तो ठीक है इसको बेच देते हैं सबसे पहले। तो इसके $1700 तो आ गए अपने उसके क्या बोलते हैं जो वीट पड़े थे ना अंदर उसके, और $2200 आ गए बिल्डिंग सोल करने के। अब एक रास्ता अपने को ऐसे लाना है कि ये जो मेन रास्ता आ रहा है ना, सबसे पहले तो अपन आ जाते हैं इसके अंदर क्या बोलते हैं पेंटिंग के अंदर, ये जो अपना पाथ है ना, आई मीन ये जो गेट है, इस तो गेट की तरफ से होते हुए लाएंगे अपन इसको और इससे कनेक्ट कर देंगे मस्त। एंड जैसे अपन यूजुअली पाथ बनाते हैं ना, आई मीन पत्थर वत्थर वाली डिजाइन देखें, तो वो डिजाइन करते हैं इस पे भी है ना। ओके तो चलो यार काफी टाइम हो गया इस डिजाइनिंग में, पाथ बनाने में, ये बनाने में, वो बनाने में, और इन सारी चीजों में ना बहुत ज्यादा टाइम लग गया। और यार ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे द फार्म, इसको यार मैं कस्टमाइज नहीं कर सकता हूँ क्या? मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं अपना नाम लिखूं यार, पर अपन अपना नाम नहीं लिख सकते इसके अंदर। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर देखो भाई इधर ये वाली जो बाउंड्री है ना, ये हरी पत्ती वाली बाउंड्री बड़ी सही लग रही है, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसे यूजुअली मेरे को अच्छी लगती नहीं है ऐसी, लेकिन इस बार अच्छी लग रही है। और बाहर की बाउंड्री तो अपनी है ही है नॉर्मली। अब देखो यार एक रास्ता तो ये है, तो ये रास्ता चालू रखे या फिर नहीं रखे? चलो चालू रखते हैं इसको, इधर से व्हीकल अपन सीधा सीधा डायरेक्ट बाहर भी निकाल सकते हैं, एंड है ना सारे जितने भी अपने व्हीकल सारे टूल है ना, उन सबको ला लाके ना पार्क करके देखते हैं एक बार। ये हार्वेस्टर को ना पहले सीधा कर देता हूं मैं इसके अंदर ही। ये जो जगह ना हार्वेस्टर की जगह बड़ी परफेक्ट यार, कुछ भी बोलो। ऑलराइट फाइनली काफी सारा टाइम लग गया इस चीज में, मेरे को पता है यार ये जो चीजें होती ना इसीलिए मेरे को पसंद नहीं आ रही सब चीजें, कि मतलब व्हीकल को जमाओ फिर हटाओ फिर जब जरूरत पड़े तब फिर निकाल लो उसको फिर लाके जमाओ, अब क्या जरूरत है इन सब चीजों की यार। बट चलो ठीक है, ये देखो अब नया पार्किंग जोन बनाया है, तो फर्स्ट ट्राई तो लेना था। तो देखो इसमें अभी मैंने रेंडम नहीं डाल रखी चीजें, मतलब कोई फिक्स नहीं है क्या चीज कहाँ पड़ी हुई है। ये इस जोन में पहले मैं सोच रहा था कि ये जितने भी टूल्स वगैरह रहेंगे ना वो डालेंगे, लेकिन जैसे मैंने तीन कार डाली ना यार, नहीं यार ये जो जोन है ना ये कारों के लिए बड़ा परफेक्ट है, मतलब जो कार कितनी मस्त तरीके से हाईलाइट हो रही है इसके अंदर से। अब इधर यहाँ पे ट्रेलर डाल रखा, फिर ये वाला जो जोन है ना इसमें सारे व्हीकल खड़े अपने, इधर सारे टूल खड़े, जितने भी तरह के ट्रेलर है वो सब यहाँ खड़े कर रखे, ये छोटा हार्वेस्टर इधर खड़ा है, बड़ा हार्वेस्टर उधर खड़ा है, इस तरीके से अपनी सारी चीजें अरेंज हो चुकी है। कुछ कुछ चीजें और है अभी तो काफी सारी चीजें जो बाहर ही पड़ी हुई है। खैर चलो यार फिलहाल इस वाली वीडियो को बस यहीं पे एंड कर देते हैं। आई नो लकड़ी का भी टास्क मैंने बताया था कि भाई वो जितने भी पेड़ है वो सब हटा देंगे अपन आज, और है ना उसको अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ऑलराइट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर यहाँ तक देख रहे थे तो धन्यवाद, लाइक कर देना वीडियो को, एंड अगर कुछ भी ओपिनियन या सजेशन हो तो कमेंट। राइट गुड बाय।